वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आई हूँ द बारबेक्यू कंपनी, जो एक लाइव ग्रिल बूफे रेस्टोरेंट है जिन्होंने अपना पहला आउटलेट गुवाहाटी में हाल ही में खोला है. इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ एंड इट इज़ लोकेटेड इन ABC GS रोड. तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ उनका लाइव ग्रिल बूफे आप लोगों को दिखाने के लिए. सो ये उनका बाहर का सेक्शन है जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ. इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्पेस एंड गिव्स यू द परफेक्ट सिटी व्यूज ऑफ गुवाहाटी. सो द बारबेक्यू कंपनी एक फ्रेंचाइजी है जिनका पहला आउटलेट शायद दिल्ली में खोला हुआ था एंड पोस्ट दैट उन्होंने अपना 8-10 आउटलेट्स ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया दे हैव देयर आउटलेट्स. सो इट इज़ अ मल्टी चेन रेस्टोरेंट बेसिकली. सो आज हम आए हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसा इनका सर्विस है, कैसा इंटीरियर्स है, कैसा दिखता है, हाउ इज़ द फूड आउट हियर, आपको इनके स्टार्टर्स में, मेन कोर्स में क्या कुछ मिलता है एंड व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बूफे रेस्टोरेंट्स. सो पहली बात तो ये है कि बूफे रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू एम्बियंस लोग इतना काम नहीं करते ऑन द एम्बियंस, बट व्हाट डिफरेंस आई हैव सीन इन द बारबेक्यू कंपनी इज दैट दे हैव वर्क्ड रियली वेल इन द एम्बियंस. द प्लेस इज वेरी वेल सेटअप, वेरी वेल क्यूरेटेड, कलरफुल है, वाइब्रेंट है, इट गिव्स यू अ फ्रेश dining experience like never before, and they also have a outer sitting space which is quite different, obviously giving you the perfect city views of your lovely Guwahati. So that's that. Chaliye, let's go in and see what all they have to offer and kya kya milta hai, what are the prices. Obviously they have different slash of prices throughout the week based on weekends and weekdays, so we'll let you know everything once we go in there. And let us see what all the barbecue company has in store for us. Do not forget to subscribe to my channel. If you are new here, go down below and hit the bell icon so that you get a notification every time I put up a new video. I'll quickly see you guys inside. वेरी वेरी चिकन टिक्का, हरियली फिश एंड चिल्ली गार्लिक प्रॉन्स. स्टार्टर्स में उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है. टू स्टार्ट इट ऑफ हमारे पास है ये दो तरह के मोमोज, दे हैव वेज एंड नॉन वेज मोमोज, देन वी हैव द गोल्डन फ्राइड फिश
मूविंग अहेड हमारे पास बहुत चाट के ऑप्शन भी है. वी हैव पापड़ी चाट, देन वी हैव दही पुचका, वी ऑल्सो हैव प्लेन पानी पूरी. मूविंग अहेड वी हैव टू टाइप्स ऑफ पास्ता. दिस इज देयर रेड सॉस पास्ता एंड हमारे पास उनका व्हाइट सॉस पास्ता भी है. देन वी ऑल्सो हैव क्रिस्पी कॉर्न, एवरी वन्स फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न, एंड वी ऑल्सो हैव मटन सीख कबाब. तो सबसे पहले ट्राई करते उनका पापड़ी चाट. देखने में ऑब्वियसली बहुत टेम्पटिंग लग रहा है. चिकन तंगड़ी कबाब, ऑल्सो शेजवान सिजलर. ये उनका शेजवान सिजलर है जो बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक है. उनके पास स्टार्टर्स में वेज पिज्ज़ा भी है एंड नॉन वेज पिज्ज़ा भी है. सो इनका ये स्टार्टर का स्प्रेड बहुत वैरायटी के साथ आता है. यू कैन ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस टू मंच ऑन. सो दैट्स दैट. मूविंग अहेड वी विल ट्राई आउट, एक दो चीज़ें हम ट्राई करके भी देखते हैं एंड विल लेट यू गाइज नो कि कैसा टेस्ट करता है. फिर सबका पसंदीदा गोलगप्पा ट्राई करते हैं. बहुत टेम्प्टिंग था. डिफरेंट मॉकटेल्स और मिल्क शेक्स का मेन्यू भी है जिसमें से आप ऑर्डर कर सकते हैं. जैसे कि वी हैव फ्यू शेक्स एंड मॉकटेल्स टू गो विद द फूड. लवली, वेरी रिफ्रेशिंग. लेट्स ऑल्सो ट्राई द स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक दे हैव. परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ऑल द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स. Totally love the mocktails and the milkshakes. So let's dive in and try करके देखते हैं how's the food. So I'll have the golden fish fry. ये बाहर से बहुत ही crispy है. The fish looks tempting and tender. Very nice. फिश बहुत अच्छी तरह से कुक हुआ है एंड बाहर से इट्स फुल क्रिस्पी एंड दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस. आई लव दिस. फिर हम ट्राई करेंगे उनका मटन सीख कबाब. एक और ले लेते हैं. सो मटन अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो गया है एंड लग तो बहुत फ्लेवरफुल रहा है. बहुत ही बढ़िया तरह से पक चुका है मटन. वेरी वेरी डिलीशियस. और अगर आप इसे हरी चटनी के साथ खाएंगे और मज़ेदार हो जाता है. चिकन टंगड़ी को थोड़ा सॉस में डाल के, चिकन टंगड़ी में चिकन अंदर से इट्स वेरी वेल कुक टेंडर एंड बहुत ही जूसी है भाई. सो ये इनका वेज मोमो है. फिलिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया एप्रोप्रिएट है. फिलिंग बहुत बढ़िया लग रहा है एंड लेट्स ट्राई कि वेज मोमोज कैसे टेस्ट करते हैं. नॉर्थ ईस्ट के मोमोज सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है. मूविंग अहेड हम ट्राई करते हैं उनका नॉन वेज चिकन मोमोज जो दिखने में बहुत जूसी लग रहे हैं. इसका भी फिलिंग बहुत अच्छा है एंड चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है.
very 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 juicy momos. I love it. The starters have excited and impressed me so much ki man kar raha, you will want to have everything, but obviously unka main course bhi try karna hai. So moving ahead, hum egg slice pizza ka to zarur try karenge. Let's try the non-veg pizza. Pizza is simple yet super cheesy and ekdam ghar mein bana pizza jaisa taste kar raha hai. So I totally totally love it. Ma'am, omar etu veg starters. Veg starter to malai paneer tikka, tandoori soya chaap, hariyali mushroom, honey chilli pineapple. अभी हम ट्राई करेंगे उनका ग्रिल सेक्शन, जिसमें से मैंने लिया है प्रॉन्स, मलाई पनीर एंड पाइनएप्पल. लवली. एंड यू नो व्हाट, आई हैव टू से समथिंग व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. इनका ये चीज़ बढ़िया है कि वट एवर दे सर्व फ्रॉम स्टार्टर्स टू द ग्रिल मेन कोर्स, ये सारे फ्रोजन चीज़ें नहीं है. क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर बूफे रेस्टोरेंट्स में ये सारी चीज़ें फ्रोजन होते हैं. यहाँ पे सारी चीज़ें फ्रेश है एज़ पर द मैनेजमेंट. एंड जब आप टेस्ट करेंगे ना, आपको वो चीज़ पता लगेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम फ्रेश बनती है. Thank you.
इनका मेन कोर्स भी सेक्शन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है एंड दे हैव केप्ट इट मिनिमल एंड बहुत अप्रोप्रिएट है फॉर यू टू चूज़ फ्रॉम, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाने से भी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है वट टू चूज़ एंड वट नॉट, बट दे हैव केप्ट द अप्रोप्रिएट क्वान्टिटी ऑफ मेन कोर्स फ्रॉम वेज नॉन वेज स्टार्टर्स सब बहुत अप्रोप्रिएट है. सो मैंने लिए है दो तीन चीज़ें जो मुझे ट्राई करनी थी. सो पहले ट्राई करके देखते कि कैसा. ऑल्सो फन फैक्ट, आई हैव टू पुट आउट थोड़ा इन्फॉर्मेशन कि ये 100% हलाल है. अगर आप देखते हैं कि हलाल है कि नहीं, ये 100% हलाल है. डेजर्ट्स में उनका बहुत वाइड वैरायटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, पेस्ट्रीज, टार्ट, देन ये फ्रूट क्रीम एंड इससे भी ज़्यादा बहुत सारे आइटम्स हैं. मैंने कुछ एक दो आइटम छोड़ दिया है एंड वी ऑल्सो हैव अ चॉकलेट कोकोनट बॉल. सबसे पहले वी विल ट्राई आवर मोस्ट फेवरेट गुलाब जामुन. These little gulab jamuns melt in the mouth and बहुत ही tasty होता है. Then we will have the केसर फिरनी which is very famous and loved by all. Very nice. ये है उनका red velvet cake जो दिख बहुत अच्छा रहा है. Melts in the mouth and it's so delicious. बहुत स्पेशल डेजर्ट है बिकॉज जो हमें सर्व कर रहे थे ही गॉट दिस ओनली फॉर अस. सो
kind of the team to make this cute cake for me. This is so cute that मुझे काटने का मन ही नहीं कर रहा है. It's so cute. That's about it. I hope you guys will love the video as much as I loved filming it. मुझे जितना मज़ा आया यहाँ का video shoot करने में, I hope आपको भी मज़ा आएगा. And you'll definitely drop by here because the food is delectable and the service is unmatched. I have to mention about the service. The service is literally unmatched and the staff is quite cooperative. Talking about the main course is quite appropriate and you will find a lot of options in the starters and in the desserts. Which will allow you कि आप मेन कोर्स भी ट्राई करो, क्योंकि ज़्यादातर बुफे रेस्टोरेंट्स में लोग मेन कोर्स ट्राई कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द वाइड वास्ट वराइटी ऑफ स्टार्टर्स. पर यहाँ पर आपको मेन कोर्स सच में बहुत मज़ा भी आएगा बिकॉज क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. तो यू विल ऑल्सो लाइक टू टेस्ट अ लॉट ऑफ आइटम्स. दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शन. सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए स्टार्टर्स, डेजर्ट्स और मेन कोर्स में वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत सारे मिलते हैं. एंड बाकी की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं. एवरी डिटेल अबाउट द बारबेक्यू कंपनी इज मेंशन. एंड इफ यू नीड मोर ग्लिम्सेस ऑफ दिस प्लेस, डू नॉट फॉरगेट टू गो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम बिकॉज आई पुट आउट अ लॉट ऑफ वीडियोज, अ लॉट ऑफ नाइस रील्स अबाउट दीज न्यू प्लेसेस इन माय इंस्टाग्राम. सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलूंगी एक नई जगह के साथ, एक नया दिन और एक नया वीडियो. बाय बाय.